बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। जादू सफ़ी इलम की काट, रिज़्क की बंदिश, और आपको नहीं पता ये कैसे लगी। जादू कैसे हुआ और काट आप कर नहीं सकते। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन आपकी मदद करे, तो एक दफ़ा इस्तखारा करवाएं, अपने काट करवाएं, रिज़्क का अमल करें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। यकीन माने कि आपको जो अमल अपने बताऊंगी, वो आप अपने जो अजीज़ व अकारब रिश्तेदार हैं उनको भी बताएं। मदरसे का नंबर आपको स्क्रीन पर भी मिल रहा है, आप उनको नंबर भी दें ताकि वो भी इन परेशानियों से बच जाएं, नजरे बद से बच जाएं। आपको नहीं पता कि लोग कितने तकलीफ़ में हैं। जादू करना हराम है, अल्लाह पाक से सबको बचाए। या रहमानों को रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ने से आपको क्या मिलता है? आपकी 100 हाजत है तो 100 हाजत पूरी हो जाती है, 100 परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, 100 आपकी दुआएं कबूल होती हैं। और आप यकीन माने, या रहमानों का एक ख़ास तरीका है, वो इख्तियार करें। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूशी और वज़ू करें, पाक साफ जाए नमाज या कपड़ा बिछा लें, उस पर बैठ जाएं और 101 मरतबा या रहमान को पढ़ें। और पढ़ने के बाद आपने अल्लाह से अपनी हाजत की दुआ करनी है। आपकी हाजत क्या है? रिज़्क है, दौलत, पैसा, या कोई परेशानी है, या रिश्तों की बंदिश है, या कोई ऐसा मसला है? अल्लाह से बयान करें, इंशाल्लाह आपका अल्लाह पाक आपकी जब दुआ कबूल करते हैं ना, तो फिर अल्लाह पाक ये नहीं देखते कि आपने छोटी चीज़ मांगी है या बड़ी चीज़ मांगी है, तो इंशाल्लाह आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि मैं लाइव आकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं और समझाऊं। मेरी पूरी कोशिश है। मदरसा है, बेटियों का पर्दे का एहतराम है, बस और कोई वजह नहीं है। इंशाल्लाह जल्द ही लाइव किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और आप अपने मसाइल को बयान कर सकते हैं, आप अपने मसाइल के बारे में बात कर सकते हैं, और आपसे बात भी की जाएगी। बस आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जादू सफ़ी इलम को ख़त्म करवाने के लिए मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा से ज़रूर मदद हासिल करें। और अगर आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, जगह जगह से चीज़ों में से स्मेल आ रही है, तो इस चीज़ की सबसे बड़ी जो निशानी है नज़र बद की, वो बदबू आना है। अब आपके घर में जो कपड़े हैं, ठीक है, अगर आपके जो कपड़े हैं उनमें स्मेल पैदा हो जाती है, या फिर आपने जो पहने अभी पहने ही हैं कपड़े, ठीक है, उनमें स्मेल आपको आती है, या फिर आपके मतलब के जिस्म से स्मेल आना, कमरे से, चीज़ों से स्मेल आना, तो आपके ऊपर जादू है। याद रखें, इसके काट करवाएं। मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा, मैं आपकी बहन हूँ, इस्तखारा ज़रूर एक मरतबा करवाएं। जज़ाकअल्लाह।